कर रहे हैं HFCL की। आज के दिन की बात करें तो HFCL में फ़िलहाल हमको 1% तक के अपसाइड के साथ स्टॉक जो है ट्रेड होता नज़र आ रहा है। हम देख सकते हैं इस वक्त स्टॉक 99.15 रुपीज़ पर हमको फ़िलहाल ट्रेड होता नज़र आ रहा है। गिरावट के बाद जब स्टॉक ने बाउंस बैक किया है, देख सकते हैं चार्ट पैटर्न पर ऊपर की ओर ही सस्टेन होता नज़र आ रहा है। 100 के लेवल पर स्टॉक रिजेक्शन फेस कर रहा है। कल के डेट में हमने डिस्कस किया था कि एक दो ट्रेडिंग डे में स्टॉक 100 के लेवल को ब्रेकआउट करता नज़र आ सकता है। हम देख सकते हैं आज भी स्टॉक ने 100 के लेवल को नियर अबाउट ब्रेकआउट कर दिया था, सस्टेन नहीं हो पाया, इसको ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया, लेकिन क्लोजिंग तक चांस बने हुए कि स्टॉक 100 के लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोजिंग दे जाए, सस्टेन होता नज़र आ जाए। लेकिन जब रिजेक्शन लिया है तो इस रिजेक्शन के साथ उतना बड़ा सेलिंग भी इस वक्त हमको देखने के लिए नहीं मिला। देख सकते हैं नीचे की ओर 97.50 यानी 9 के ओर ऊपर स्टॉक जो है सपोर्ट लेता नज़र आ रहा है। गिरावट के बाद बड़ा सेलिंग देखने के लिए नहीं मिला। 82 के लेवल पर जो पिलर्स इंटर हुए हैं, यहाँ से स्टॉक ने 100 तक का जंप दिखाया है। इस जंप के बाद भी बड़ा सेलिंग हमको देखने के लिए नहीं मिल रहा। बड़े पिलर्स जो इस लेवल पर इंटर हुए वो यहाँ भी अपनी पोजीशंस को होल्ड किए हुए, और यही वजह है कि सेलिंग देखने के लिए नहीं मिल रही और स्टॉक है अपने हाई के आसपास, तो ब्रेकआउट के पूरे चांस बन रहे हैं। आज की क्लोजिंग तक या आने वाले ट्रेडिंग डे में स्टॉक अपने इस हाई को ना 100 के लेवल को ब्रेकआउट करता नज़र आ सकता है। नीचे की ओर 98 का जो लेवल है इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा, ब्रेकडाउन कर जाता है तो 94, और तगड़े सपोर्ट का रोल प्ले करने वाला है 90 का लेवल। जब तक 90 के ऊपर है HFCL में उम्मीदें बनी हुई है अपसाइड की। अब हम देख रहे हैं चार्ट पैटर्न के 100 के लेवल से रिजेक्शन के बाद बड़ा सेलिंग नहीं है तो ब्रेकआउट के पूरे चांस बन रहे हैं। जैसे ही इस लेवल को ब्रेकआउट देगा, नेक्स्ट टारगेट देखने के लिए मिलेगा 10.250 का लेवल। ब्रेकआउट कर जाता है तो 104, इसके बाद जो रेजिस्टेंस फेस करेगा, देख सकते हैं 110 के लेवल पर 110 का लेवल रहेगा जहां स्टॉक रिजेक्शन फेस कर सकता है, जहां से छोटी मोटी गिरावट हमको देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि दो दफ़ा स्टॉक ने इस लेवल से रिजेक्शन फेस किया हुआ है। लेकिन जिस तरह से चार्ट पैटर्न और HFCL में हमको रिकवरी देखने के लिए मिल रही है, गिरावट के बाद लगातार तेज़ी दिखाता नज़र आ रहा है, और HFCL में जिस तरह से बायर एक्टिव देखने के लिए मिल रहे हैं, इस हाई को भी ब्रेकआउट देता नज़र आ सकता है 110 के लेवल को। इस लेवल को ब्रेकआउट कर गया तो अगला टारगेट 114 और इस बाउंस बैक के साथ 120 तक का जंप HFCL दिखा सकता है। हालांकि 120 के ब्रेकआउट के भी चांसेस इसमें बने हुए हैं, लेकिन फ़िलहाल 120 तक के टारगेट को हम लेकर चलते हैं, यहां तक का टारगेट स्टॉक हमको दिखा सकता है। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।